पटना के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। बिहार में संगठन को और मजबूत करने की बात पर एनडीए पूरी तरह से बरकरार है, ये कहा उन्होंने। संजय जायसवाल से बात की हमारे सहयोगी एसके राजीव ने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा के नए अध्यक्ष संजय जायसवाल साहब। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता हर चुनौती के लिए सालों भर तैयार रहता है और भाजपा का संगठन मजबूत करना ही मेरे लिए सारा कार्य है, सारी चुनौती है और मेरा सारा दायित्व है। 2020 का विधानसभा चुनाव है आपके सामने। 2019 में हमारा संगठन पर्व चल रहा है। संगठन पर्व हमारे लक्ष्य से ज्यादा अच्छा हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाना है कि 2020 खुद ही निपट जाए। संजय जी, बिहार में एनडीए इंटैक्ट है? एनडीए सदैव इंटैक्ट था, इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। पूरे भारत में हम 27 पार्टियों के गठबंधन है और सभी 27 पार्टियां पूरी मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी है। अध्यक्ष जी, एनआरसी के मामले को लेकर के जदयू की तरफ से लगातार रिएक्शन आ रही है। देखिए, भाजपा और जदयू दोनों अलग अलग दल हैं, दोनों का अलग अलग घोषणा पत्र है और दोनों की अपनी अलग अलग कार्य प्रणाली है। अगर एक होती तो दोनों दल की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको पूरे तौर पे लागू करना भाजपा के हर कार्यकर्ता का चरण है। भाजपा के अध्यक्ष के रूप में मेरा दायित्व केवल और केवल पार्टी को मजबूत करना है, इसके आगे मेरा कोई दायित्व नहीं। संजय जायसवाल जी है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूती प्रदान करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। पटना से इसके राजीव है, R9 TV।